इराक की इस लाल जमीन के कणकण में इतिहास छिपा है। जंग और हिंसा ने पुरातत्व शास्त्रियों को कई दशकों के लिए यहां से दूर कर दिया था। अब धीरे धीरे इनकी वापसी हो रही है। दक्षिणी इराक में लारसा के रेगिस्तान की खुदाई कर रही इस टीम को 4000 साल पुरानी कीलाक्षरों वाली शिलालेख मिली है। सुमेरियाई भाषा के इस शिलालेख को ईसा पूर्व 19वीं सदी में गढ़ा गया था। इनसे थोड़ी ही दूरी पर यूरोपीय और इराकी पुरातत्व शास्त्रियों का एक दल खुदाई में जुटा है। ईंटों को साफ करने और मिट्टी हटाने के बाद किसी पुल का खंभा मिला है जो लारसा के शहरी हिस्से की किसी नहर पर बना था। लारसा कभी इस इलाके की राजधानी हुआ करती थी। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी की शुरुआत में बेबीलोन से पहले मेसोपोटामिया के दौर में लारसा राजधानी थी। ईसा पूर्व 1762 में बेबीलोन के महान राजा हम्मुराबी के यहाँ आने से पहले लगभग 2 सदियों तक लारसा का पूरे देश में दबदबा था। टीम ने खुदाई में कई चीजों की खोज की है जिनमें राजा का घर भी है। इसकी पहचान 60 शिलालेखों के आधार पर हुई है। ये शिलालेख पहले ही बगदाद के म्यूजियम पहुंच चुके हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया की खोज में जुटे पुरातत्व शास्त्रियों के लिए तो ये किसी स्वर्ग जैसा है। लारसा की जमीन ने अक्कड़ से लेकर बेबीलोनिया, सिकंदर, ईसाई, पारसी और मुस्लिम शासकों का दौर देखा है। हालांकि इराक का आधुनिक इतिहास तो एक के बाद एक जंगों के साये में ही घिरा है। खासतौर से 2003 में अमेरिका के हमले और उसके बाद मचे संघर्षों ने रिसर्चरों को यहां से दूर कर दिया था। आखिरी बार मैं यहाँ 1989 में काम करने के लिए आया था और जाहिर है कि वापस आना चाहता था, लेकिन उसके बाद कुवैत की जंग और जो सारी घटनाएं हुई उसने हम लोगों को 30 साल तक यहाँ आने नहीं दिया। 2017 में इस्लामिक स्टेट पर इराक के विजय की घोषणा के बाद यहाँ थोड़ी स्थिरता आई और रिसर्चरों का यहाँ आना संभव हुआ। फ्रेंच यहाँ 2019 में आए और उनसे थोड़ा पहले ब्रिटिश। हालांकि इटली के पुरातत्व शास्त्री 2011 में ही आ गए थे। 2021 में यहां 10 विदेशी मिशन एक साथ काम कर रहे थे। इराक में पुरातत्व से जुड़े लोग खुश हैं कि उनका देश एक बार फिर विदेशी खोजी दलों के नक्शे पर आ गया है। मध्य इराक में नजफ के पास जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के रिसर्चर खोज करने में जुटे हैं। जियो मैग्नेटिक उपकरणों से लैस इब्राहिम सलमान की टीम अल हीरा में 5वीं और 6ठी सदी में शासक रहे लखमीड के दौर की निशानियां ढूंढ रही है। हमें कुछ संकेत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि शायद यहाँ एक चर्च दबा है और वहाँ कोई तीर्थ हो सकता है। अल हीरा दूसरे नगरों की तुलना में नया है, लेकिन यह इराक के बहुरंगे इतिहास का दस्तावेज है। पुरातत्वविदों के लिए तो इराक एक ऐसा खेल का मैदान है जिसकी मिट्टी खोदकर वो सल्तनतों की मोहरें निकालते हैं।